तो फर्स्ट एग्जांपल सेंटर ऑफ मास का, फर्स्ट एग्जांपल कि सपोज करो आपके पास M1 मैंने आपको दिया 1 kg, मैंने आपको M2 की वैल्यू दी 1 kg, मैंने इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया 2,1 और इसका कोऑर्डिनेट दिया 1,2। तो मेरा क्वेश्चन है फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, x और y कोऑर्डिनेट निकालो सेंटर ऑफ मास का क्या होगा, ये क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है, इसमें हम इसे क्या मानेंगे, m1 n2 तो गिवन ही है, ये होगा x1 ये होगा y1, ये होगा x2 ये होगा y2। तो फॉर्मूला m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो m1 की जगह पुट कर लेना 1, x1 की जगह 2, m2 की जगह पुट कर लेना 1, x2 की जगह 1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। उसी तरीके से m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो m1 की जगह अगेन 1, y1 की जगह 1, m2 की जगह 1 और y2 की जगह 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। आंसर क्या आ रहा है, 3/2 एंड 3/2। तो x और y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का 3/2 3/2। पहला क्वेश्चन क्लियर है कि कैसे करना है। तो अगर आपको m1 m2 की बनोगा, x1 y1 x2 y2 की बनोगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम, सपोज ये क्वेश्चन है गिवन, आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, आपको m1 गिवन होगा 1 kg, कुछ भी, m2 गिवन होगा 2 kg, आपको पोजीशन वेक्टर गिवन होगा r1 वेक्टर i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, और आपको पोजीशन वेक्टर इसका भी गिवन होगा माइनस i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, और आपसे ये पूछा जाएगा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर बोलो क्या होगा, ठीक। ओ सॉरी, के कैप नहीं लेना चाहिए मुझे, फिर थर्ड पार्टिकल लेना पड़ेगा मुझे, ऐसे रखते हैं, एम थ्री भी लेना पड़ेगा, नहीं तो मुझे 3 पार्टिकल 3 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो वैसे हो भी सकता है 2 पार्टिकल भी हो सकता है, वो थर्ड मास 0 हो जाएगा और तो कोई क्या ही होगा, चलो छोटा रखते हैं। तो एम वन आर वन वैक्टर प्लस एम टू आर टू वैक्टर डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। तो m1 की जगह क्या पुट करेंगे 1, r1 वेक्टर की जगह क्या पुट करेंगे i कैप प्लस j कैप, m2 की जगह क्या पुट करेंगे यहाँ पर 2, r2 वेक्टर की जगह कितना माइनस i कैप माइनस j कैप डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम 1 प्लस 2 3। तो इसे ओपन करेंगे i कैप प्लस j कैप माइनस 2 i कैप माइनस 2 j कैप डिवाइडेड बाय 3, तो माइनस i कैप माइनस j कैप डिवाइडेड बाई 3 इज द आंसर, यही होगा, तो आंसर इसी फॉर्म में आएगा। तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो वैल्यू पुट करनी है, अगर वेक्टर फॉर्म में तो वेक्टर फॉर्म में आंसर होगा, अगर कोऑर्डिनेट से कोऑर्डिनेट के फॉर्म में आंसर होगा, ठीक है, यहां तक क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज करो आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 1 meter साइड है, 60 degree 60 degree and 60 degree, 3 point masses ले रहा हूँ मैं, पहला पॉइंट मास ये रहा, दूसरा पॉइंट मास ये रहा और तीसरा पॉइंट मास ये रहा। तो ये 1 kg है, मान लो ये पॉइंट मास 1 kg है, ये भी पॉइंट मास 1 kg है, ठीक, 1 kg 1 kg 1 kg, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि 3 पॉइंट मासेज हैं, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो नहीं दिए कोई बात नहीं, आप बना लो कोऑर्डिनेट्स,
अब कोऑर्डिनेट्स बनाने के लिए आपको या तो कोऑर्डिनेट देने पड़ेंगे मुझे, है ना, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, या फिर आप ओरिजिन मान लो। अगर आपको ओरिजिन पता होगा तो कोऑर्डिनेट निकालने आसान होंगे। तो ओरिजिन कहीं भी मान सकते हो, ये भी ओरिजिन हो सकता है, ये भी। बेस्ट तरीका ये होता है ट्राइंगल के क्वेश्चन में कि आप लेफ्ट वाले साइड को ओरिजिन मान लें, तो ये बन जाएगा एक्स एक्सिस, ये बन जाएगा वाई एक्सिस। इससे एक फ़ायदा होगा, इसका पहला कोऑर्डिनेट आपको पता लग गया, जीरो कॉमा सीरो, ठीक हो गया यहाँ तक। तो फिर बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसकी साइड क्या है, वन मीटर, वन मीटर। तो बोलो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वन, वन मीटर है तो वन, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो। समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो बोलो थर्ड कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो तो हो नहीं सकता, एक्स वाई प्लेन है, कुछ तो होगा एक्स कोऑर्डिनेट, हाँ बोलो कितना, वन तो हो नहीं सकता, वन का मतलब तो ये डिस्टेंस वन कैसे होगा, पॉइंट फाइव यानी कि हाफ, हाफ कॉमा क्या वैल्यू बोलो निकालो, हाफ कॉमा वन, नहीं फिजिक्स नहीं आएंगे, ये फिजिक्स है, मैथ है, मैथ है, आपको कोऑर्डिनेट निकालने को बोल रहा हूँ यार। रूट थ्री बाई टू सही है। देखो कोऑर्डिनेट निकलते कैसे हैं, ये डिस्कशन कर रहे हैं पहले, चलो वापस चलते हैं मैथ्स में। कोऑर्डिनेट निकलते हैं, इसका एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, ये डिस्टेंस। अब ये जो डिस्टेंस है ये एग्जैक्टली इस डिस्टेंस के इक्वल होगा, ठीक है। तो देखो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये डिस्टेंस कितना है टोटल, 1 मीटर, 1 मीटर का आधा क्या है, 1 बाई टू, तो ये डिस्टेंस का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 बाई टू। अब y कोऑर्डिनेट क्या होता है, y कोऑर्डिनेट है ये हाइट, ये हाइट। अब ये हाइट में ये जो डिस्टेंस है, सपोज y है, इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर साइन ऑफ 60 क्या आएगा, y डिवाइडेड बाई 1, तो y क्या आएगा, 1 इंटू साइन ऑफ 60, तो y की वैल्यू क्या आएगी, रूट थ्री बाई टू, तो यहां पर क्या आएगा, रूट थ्री बाई टू। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो अब इस केस में आप इसका कोऑर्डिनेट मानोगे x1 कॉमा वाई वन, और ये क्या बन जाएगा, m1 आ गया, x1 आ गया, y1 आ गया। नेक्स्ट ये क्या बन जाएगा, m2, ये क्या होगा, x2, और ये क्या होगा, y2। उसी तरीके से ये क्या होगा, M3, ये क्या होगा, X3, ये क्या होगा, Y3। क्लियर है यहां तक। तो यहां पे X सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू M1, X1, M2, X2, M3, X3 डिवाइडेड बाय M1, M2 एंड M3। ऐसी Y सेंटर ऑफ मास की वैल्यू M1, Y1, M2, Y2
एम थ्री वाई थ्री डिवाइडेड बाई एम वन एम टू एंड एम थ्री। तो यहाँ से सभी कोऑर्डिनेट्स पता हैं आपको, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री एम वन एम टू एम थ्री। पुट करें आंसर, बोले क्या रहा है एक्स सेंटर ऑफ मास में, क्या रहा है पुट करें वैल्यूज, सारी वैल्यूज पुट करें। ये वन बाई टू और ये टू अपॉन रूट थ्री, ये डाउट है मुझे, दोबारा सॉल्व करना है इसका। वाई कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट वन बाई टू आ रहा है, वन बाई टू वाई कोऑर्डिनेट दोनों वन बाई टू, वन बाई टू ये रूट थ्री, नहीं एक्स कोऑर्डिनेट क्या है वन बाई टू, y कोऑर्डिनेट क्या है रूट थ्री बाई टू, और रूट थ्री बाई टू वन बाई रूट थ्री। वन बाई टू रूट थ्री, ठीक है वन बाई टू रूट थ्री, ऐसा ही आ रहा है, चेक करना, चेक करो वन बाई टू रूट थ्री, ऐसे ऐसे। ओके क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब एक काम करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सपोज करो आपके पास ये एक स्क्वायर शीट है, एक स्क्वायर शीट है, और इस स्क्वायर शीट में मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। तो कितना मास है इसका, 1 केजी मास है इस शीट का मास 1, ये शीट है, थिन शीट है, थिन शीट है और मास 1 केजी है। इसके साथ एक और मास पड़ा हुआ है और ये डिस्क है, डिस्क के ऊपर भी मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और डिस्क का मास है 2 केजी, 2 केजी, इसका मास है 1 केजी और इसका मास है 2 केजी, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इसके सेंटर से C1 से सेंटर ऑफ मास की लोकेशन क्या है, सेंटर ऑफ मास की क्या निकालनी है, लोकेशन फ्रॉम C1 क्या होगी, ठीक। अब पहले पॉइंट को समझो, अभी तक जो मैंने क्वेश्चन दिए थे उसमें M1 M2 पॉइंट मासेस थे, इसमें शेप है। अब ये बताओ कि इस शीट का सेंटर ऑफ मास कहाँ एग्जिस्ट करेगा, इसके सेंटर पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ एग्जिस्ट करेगा, इसके सेंटर पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, और हम क्या चाह रहे हैं, दोनों सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास, इनका सेंटर ऑफ मास तो पता ही है। अब सारा मास इस डिस्क का कहां पर पड़ा होगा, C1 पे, सारा मास इस शीट का यहां पर, और डिस्क का कहां पर, इसके सेंटर पे। अपने को क्या ढूंढना है, सेंटर ऑफ मास की वैल्यू ढूंढनी है, तो ऑब्वियसली इन्हें ज्वाइन कर लें, इन्हें ज्वाइन कर लें, आपको लेंथ भी देनी चाहिए मुझे इसमें, चलो मैं लेंथ भी देता हूं। तो इमेजिन करो लेंथ के लिए, सपोज ये जो लेंथ है ये मान लो, ये मान लो 2 मीटर है, और इसका जो डायामीटर है वो भी इमेजिन करो 2 मीटर है, ठीक है। तो आपको वैल्यू ढूंढनी है सेंटर ऑफ मास की। अब सेंटर ऑफ मास कहाँ से ढूंढना है, सी वन से, सी वन से। तो इमेजिन करेंगे इस केस में कि जो सी वन है वहाँ पर मेरा क्या पड़ा हुआ है, ओरिजिन। तो ये मैंने ओरिजिन मान लिया, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, कोई डाउट इसमें, एक्स और वाई हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो कॉमा जीरो, और ये क्या है मास,
m1 आ गया, x1 आ गया, x2 आ गया, तो बोलो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका मास क्या है m2, बोलो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, हाँ बोलो x कोऑर्डिनेट, बोलो ये लंबाई कितनी है, 2 मीटर का आधा कितना है 1 मीटर, 2 मीटर का आधा फिर से कितना है 1 मीटर, 1 मीटर 1 मीटर कितना हो गया 2 मीटर, और y कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली क्या होगा 0, x एक्सिस है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में m1 m2 पता है, x1 y1 पता है, x2 y2 पता है, तो सॉल्व करेंगे, x सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लेंगे, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो वैल्यूज पुट करेंगे, ऐसे ही y सेंटर ऑफ मास में m1 y1 m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो वैल्यूज पुट करना, x और y कोऑर्डिनेट कितना रहा है चेक करना, m1 पता है, m2 पता है, x1 y1 x2 y2 पुट करके आंसर, x कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, का 4/3 और y का 0, क्योंकि तो सॉल्व क्या करना पता ही है, y एक्सिस 0 है इसमें, समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे करना है इसमें, कोई डाउट है इसमें, क्लियर है, ठीक है। अब इसके बेस पे इस क्वेश्चन को करो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इमेजिन करो कि आपके पास 3 स्फीयर्स हैं, 1, 2 और 3, 3 स्फीयर्स हैं, तीनों का मास m है एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, रेडियस तीनों का r है, आपको पोजीशन निकालनी है सेंटर ऑफ मास की, क्या पोजीशन होगी, ये क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन या पोजीशन बतानी है क्या होगी, 3 स्फीयर्स हैं और मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैं ये हिंट दे सकता हूँ कि इस स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ एग्जिस्ट करेगा, इसके सेंटर पे, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, इसके सेंटर पे, और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, इसके सेंटर पे, MMM, क्या है पॉइंट, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, ठीक है, हमें क्या करना है, इन सेंटर ऑफ मास का नया सेंटर ऑफ मास, तो कहाँ से निकाल लें, कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ेंगे, कोऑर्डिनेट्स के लिए अपने को ओरिजिन लेना पड़ेगा, ओरिजिन ले लेते हैं, चलो ओरिजिन लेने पहले, चलो सबसे बेस्ट तरीका होता है इस कॉर्नर का ओरिजिन लेना, क्योंकि सारे कोऑर्डिनेट निकालने आसान होते हैं, वैसे कुछ भी ले सकते हो, ये ज़्यादा बेटर है, तो ये मान लो आपके पास क्या आ गया एक्स एक्सिस, और ये क्या आ गया आपके पास वाई एक्सिस, तो ये मास और ये मास, राइट, तो बोलो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 0, चलो एक तो पता लगा, नेक्स्ट इसका कोऑर्डिनेट बोलो क्या है, 2r, 0, क्योंकि ये रेडियस r है, ये r है, तो ये क्या हो गया 2r, 0, राइट, क्लियर है यहाँ तक, तो बोलो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ट्राइंगल बना ही लो, ये लो ऐसे बना लो, बोलो हाँ क्या कह रहे थे, r, √, क्या ये पॉइंट ठीक है, क्या कि √3r, ठीक है चेक करें, तो एक काम करना पड़ेगा, इसका रेडियस r है, इसका r है, तो टोटल लेंथ कितनी है, ये टोटल 2r है, हाँ ये आपके पास r है, तो ये r है, बिल्कुल सही है, x कोऑर्डिनेट इसका r ही होगा, राइट, क्लियर है यहाँ तक, x कोऑर्डिनेट इसमें r होगा, y कोऑर्डिनेट की अगर बात करें, तो y कोऑर्डिनेट के लिए ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और सपोज ये डिस्टेंस कितना है y, ये कितना है 60 डिग्री, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन ऑफ 60 किसके इक्वल है, y डिवाइडेड बाई कितना 2r, तो y की वैल्यू क्या आएगी 2r × sin of 60, y इज इक्वल टू 2r × √3/2, तो ठीक है √3r सही है, क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कोऑर्डिनेट्स निकालने आ गए, फिर बाकी तो आपको पता ही है क्या करना है, तो इसके अंदर अब लास्ट मुझे स्टेप क्या करना है, ये रहा x1, ये रहा y1, ये रहा m1, ऐसे ये है m2, ये है x2, ये है y2, ये है m3, ये है x3, ये है y3, तो लगाओ फॉर्मूला,
एक सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगाओ, एम वन एक्स वन एम टू एक्स टू एम थ्री एक्स थ्री एम वन एम टू एंड एम थ्री, क्या आंसर आ रहा है? 3r/2, इतना ही आ रहा है, चेक करना प्लीज़। एक्स कोऑर्डिनेट 3r/2, ओके। और वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट में भी फॉर्मूला पुट करो, ये 3r/2 आ रहा है क्या? आर आना चाहिए मेरे को लगता है, आर आना चाहिए मेरे को भी लगता है, ये आर आएगा। और ये कितना आ रहा है? आर बाय, यार तुम पहले जरा सॉल्व कर लो इसे अच्छे से। लिख दूं r/√3, ठीक है r/√3, ठीक लग रहा है, ठीक है। पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? कोई डाउट इसमें? ठीक है, सारी प्रॉब्लम एनसीईआरटी की प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ वैसे मैं आपको। जैसे अगला एग्जांपल है, मान लो आपको HCl मॉलिक्यूल गिवन है, एक HCl मॉलिक्यूल है और इनके बीच में H और Cl में डिस्टेंस 1.27 एंगस्ट्रॉम है। तो ये मान लो H है और ये मान लो क्लोरीन है, और क्वेश्चन में गिवन है कि हाइड्रोजन का मास अगर M है तो क्लोरीन का 35.5 टाइम्स M है, और इनके बीच में डिस्टेंस आपको गिवन है 1.27 एंगस्ट्रॉम, ये गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन है, बताओ लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहाँ होगी? अब सेंटर ऑफ मास कितने लोग कहते हैं मिड पॉइंट पे होगा? नहीं होगा, मिड पॉइंट पे होगा, ये भारी मास है 35.5 टाइम, तो मिड पॉइंट के कहाँ होगा? थोड़ा राइट पे जाके होगा, तो कहाँ होगा ये निकालना है। चलो मान लो यहाँ पे होगा, मान लो यहाँ पे होगा, तो आपको सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं या डिस्टेंस निकालना है कि ये हाइड्रोजन से कितनी दूरी पे होगा, ठीक है। तो पॉइंट वही है, फिर क्या लेना पड़ेगा? ओरिजिन, ओरिजिन जहां मर्जी ले लो। कोई कहता है जी मैं यहां ले लूं, हाँ तो यहां ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, मना किसने किया, यहां पे ले ले, ये ले, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो इससे क्या फायदा होगा? ये क्या होगा? 0.0। फिर बोलो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1.27.0 एंगस्ट्रॉम में लेने, तो कोई बात नहीं, क्लियर है यहां तक? कोऑर्डिनेट्स आ गए। और सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स सेंटर ऑफ मास एंड वाई सेंटर ऑफ मास, ये लो, ठीक है यहां तक। अब मुझे इस क्वेश्चन के अंदर एम वन पता है, एम एक्स वन पता है, वाई वन पता है, एक्स टू पता है, वाई टू पता है, एम टू पता है, तो निकालो फिर फॉर्मूला एक्स सेंटर ऑफ मास एम वन एक्स वन एम टू एक्स टू एम वन प्लस एम टू, और ऐसी वाई कोऑर्डिनेट तो कैरी करोगे, आंसर क्या आएगा? 0। तो एम वन की जगह एम, एक्स वन की जगह 0, एम टू की जगह 35.5 टाइम्स एम और एक्स टू की जगह 1.27 डिवाइडेड बाय एम प्लस 35.5 टाइम्स एम, तो सॉल्व करके निकाल लेना, एम से एम कैंसिल हो जाएगा आंसर। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे करना है? निकल जाएगा आंसर, फिर एंड में लिख देना कि ये जो दूरी है वो कहाँ से ली? फ्रॉम हाइड्रोजन, जो भी होगा लिखना पड़ेगा, फ्रॉम हाइड्रोजन एटम। डिस्टेंस कहाँ से? 1.235, हाँ 1.235 एंगस्ट्रॉम, ऐसे कुछ है। मेथड समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? वाई कोऑर्डिनेट तो होगा ही नहीं। अब कोई कहता है जी आपने कहा सेंटर ऑफ मास, ओरिजिन जहाँ मर्जी ले लो, मैंने कहा हाँ जहाँ मर्जी, कह रहे मैं यहीं लेता हूँ जहाँ सेंटर ऑफ मास है, फिर मैं कहा आंसर कैसे निकलेगा 0.0, फिर तो यार हर बार 0.0 आंसर, जहाँ पूछूंगा वहीं कह देना सर आपने कहा तो ओरिजिन जहाँ, उसको छोड़ के जहाँ मर्जी लेना, तभी कोऑर्डिनेट निकालोगे, चाहे यहाँ लो चाहे वहाँ लो, ठीक है। सपोज करो, हाँ एक और चीज़, जो मास की डिस्ट्रीब्यूशन है
हमने डिस्कस की हुई है। और एक और चीज़, इसके अंदर जो आपकी शीट्स हैं, इसमें पहला क्वेश्चन हमने कर लिया, दूसरा क्वेश्चन आर वन वैक्टर आर टू वैक्टर वाला हमने कर लिया बुकलेट के अंदर। शीट नंबर 67 के बाद शीट नंबर 68 में पहला जो न्यूमेरिकल है वो एच सी एल मॉलिक्यूल है, ये हमने कर लिया। ये वाला सेयर वाला आपने क्वेश्चन कर लिया, ठीक। नोट नोट में मास की डिस्ट्रीब्यूशन तीन किस्म से होती है, हमने काफ़ी बार किया, लेंथ वाइज। थिन रॉड में मास लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। हम क्या यूज़ करते हैं, लैम्डा, लीनियर मास डेंसिटी किया था हमने, यानी कि मास बाय लेंथ। डिस्क जैसी बॉडीज में मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एरिया वाइज, तो डेंसिटी को क्या बोलते हैं, सरफेस मास डेंसिटी, सिग्मा, यानी कि मास बाय एरिया। और सॉलिड स्फीयर में वॉल्यूम, रो, मास अपॉन वॉल्यूम, ऐसे किया था। अब ये क्वेश्चन है कि सपोज करो आपके पास एक स्क्वायर शीट है और एक डिस्क है, तो ये डिस्टेंस एल और एल। आज हमने किया भी ये क्वेश्चन, बस फर्क ये था कि मैंने आपको मास दिया था, इसमें मास नहीं है, मास नहीं है, इसमें सिग्मा गिवन है। सिग्मा का मतलब समझ जाना चाहिए आपको, सिग्मा का मतलब मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दी एरिया, एरिया एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है। तो अगर मास नहीं गिवन और मैं ये पूछूं कि मास एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, तो बोलो इसकी साइड अगर एल है स्क्वायर शीट की, तो इसका एरिया क्या है, एल स्क्वायर। तो इस शीट का मास बोलो क्या आएगा, सिग्मा इंटू एल स्क्वायर। सिग्मा का मतलब क्या है, मास अपॉन एरिया, को इसके एरिया से क्या किया, मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया, इसका मास आ गया। ऐसी इसका अगर मास निकालना है m2, तो क्या करेंगे, सिग्मा को इसके एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका रेडियस क्या है, l बाय 2, तो पाई इंटू l बाय 2 का स्क्वायर इसका क्या जाएगा, एरिया। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक, मासेस कैसे निकलेंगे अगर सिग्मा गिवन है, सिग्मा को एरिया से मल्टीप्लाई करो मास आएगा, कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहाँ तक। तो मास नहीं गिवन होगा तो पहले m1 m2 आएगा, वो m1 m2 कहाँ पर पड़ोगा, इसके सेंटर पे। तो बाकी क्वेश्चन सेम है जो आज हमने किया था, कि अगर ये सेंटर से सेंटर ऑफ मास निकालना है तो इसका मास सिग्मा इंटू एल स्क्वायर है, इसका मास सिग्मा इंटू पाई इंटू एल बाई टू स्क्वायर है, इसको ओरिजिन मान लेते हैं, तो ये 0.0, ये टोटल लेंथ एल है तो आधी कितनी है, एल बाई टू, टोटल डायमीटर एल है तो आधा कितना है, एल बाई टू, तो एल बाई टू, एल बाई टू कोऑर्डिनेट क्या बन गया, एल, आज हमने क्वेश्चन किया था, एल कॉमा जीरो। अब आपके पास क्या आ गया, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एम वन एम टू, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट पुट करेंगे, एम वन की जगह जो निकाला x कोऑर्डिनेट यहाँ पर x1 0 है, m2 की जगह जो हमने एरिया से निकाला x2 की जगह l है, तो m1 plus m2, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा। तरीका बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे हमने चेंज किया इन टर्म्स ऑफ सिग्मा।